मेरे चैनल सारिकास कुकिंग डायरी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने बटाटा वड़ा की रेसिपी बनाई थी जिसे आप सभी ने बेहद पसंद किया, और आज हम बनाने जा रहे हैं नासिक का फेमस पाव वड़ा, या फिर जिसे उल्टा वड़ा पाव भी कहा जाता है। इस रेसिपी में पाव भी है और वड़ा भी, लेकिन इसे बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। तो चलिए फिर देखते हैं कि उल्टा वड़ा पाव कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम वड़े का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें लगेंगे 7 हरी मिर्च, 8 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अब मिक्सर जार ले लेते हैं और जार में हम हरी मिर्च, लहसुन की कलियां और अदरक को लेकर दरदरा मसाला तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह का दरदरा मसाला तैयार करना है। मसाले को फिलहाल साइड में रख देते हैं और उबले हुए आलूओं को ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये 3 बड़े साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। इन आलूओं से हम छिलका निकाल लेते हैं। सारे आलू छिलका निकाल कर तैयार है, तब इसे हम मसल लेते हैं। आलू को मैंने कुकर में पकाने के बाद कुकर से निकाल कर ठंडा कर लिया है, तब ये इस तरह ड्राई हुए हैं। अगर हम कुकर में ही इसे ठंडा करते तो आलू ठंडे तो हो जाते पर गीले रह जाते, और ऐसे गीले आलूओं की वजह से ही वड़े का मिश्रण नरम पड़ जाता है और वड़े अच्छे से बाइंड नहीं हो पाते। आलू को मसल लिया है। अब वड़े का टेस्टी एंड स्पाइसी मसाला तैयार करने के लिए चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर हमने गैस के स्लो फ्लेम पर तड़का पैन को रखा है। इस तड़का पैन में हम 1 बड़ा चम्मच तेल डाल लेते हैं और तेल में डालेंगे 1 चम्मच सरसों। सरसों को तड़कने देना है। सरसों के तड़कते ही गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे, जिससे मसाला जलेगा नहीं। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच हींग, 10 से 12 कड़ी पत्ता, उसके बाद हमने जो मसाला बनाकर रखा है उसे डालेंगे। और फिर मिलाएंगे 1/2 चम्मच हल्दी। अब गैस की फ्लेम को फिर से ऑन कर देते हैं और मसाले को स्लो फ्लेम पर 1 मिनट तक भूनेंगे। मसाला तैयार है। तो अब इस मसाले को हम मसले हुए आलू में डाल लेते हैं। उसी के साथ डालेंगे 1/2 कप कटा हुआ हरा धनिया और स्वाद के अनुसार नमक। सारे मसाले हमने ले लिए हैं। अब इसे हम अच्छे से मसल कर मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह के ड्राई मिश्रण से वड़े कितने अच्छे से बाइंड होते हैं। वड़े का मिश्रण तैयार है। अब हम बैटर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए एक बाउल ले लेते हैं और बाउल में हम 2 कप बेसन ले लेते हैं। अब बेसन में हम स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चुटकी खाने का सोडा डाल लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर घोल तैयार करेंगे। विस्क की मदद से फेटेंगे, जिससे घोल से गुठलियां जल्दी से निकल जाएगी और स्मूथ बैटर तैयार होगा। ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें घोल की रखनी है। हमने 2 कप बेसन के लिए 1/2 कप पानी यानी 125 ml पानी का इस्तेमाल करके ऐसा बैटर तैयार किया है। अब इस घोल में हमने वड़े को तलने के लिए जो तेल गर्म करने रखा है उसमें से 1 चम्मच गर्म तेल इसमें डाल लेते हैं और फिर से थोड़ा फेटेंगे। गर्म तेल की वजह से वड़े का लेयर क्रिस्पी बनेगा, जिससे हमारा पाव वड़ा खाने में ज्यादा टेस्टी लगेगा। हमारा घोल भी तैयार हो गया है। तो अब हम उल्टा वड़ा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 पाव, मीठी चटनी और पुदीने की चटनी ली है, जो कि होममेड है, और इन दोनों चटनी की रेसिपी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चटनी को बनाने के बाद इस तरह जार में भर दे। मीठी चटनी 1 महीने तक रहती है और पुदीने की चटनी को स्टोर करने के लिए 2 बूंद विनेगर मिलाने से 1 हफ्ते तक फ्रिज में रहती है। ये पुदीने की चटनी मैंने 2 दिन पहले बनाई थी। देखिए, अभी भी कितनी फ्रेश लग रही है। अब हम एक पाव ले लेते हैं और पाव को इस तरह बीच से छुरी की मदद से कट करके स्टफिंग भरने के लिए जगह बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से। अब इस बनी हुई जगह में हम सबसे पहले मीठी चटनी और पुदीने की चटनी को बारी बारी से लगा लेते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दोनों चटनी को कम या ज्यादा लगाएं। अब वड़े का स्टफिंग ले लेते हैं और पाव में भर लेते हैं। पाव को अच्छे से स्टफिंग से भर दे। बस इतना ध्यान रखें कि पाव टूटे नहीं।
अब इस तरह दोनों हाथों से पाव को दबाकर स्टफिंग को सेट कर ले। ये पाव स्टफिंग भरकर तैयार है, इसे प्लेट में रख देते हैं और दूसरे पाव में भी स्टफिंग भर के तैयार कर लेते हैं। दो पाव हमने स्टफिंग भर के रेडी कर लिए हैं, तो इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो गोल बनाया है उसे फिर से एक बार फेंट लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर वड़ों को तलने के लिए मैंने ये तेल गरम करने रख दिया था। वो गरम हुआ या नहीं वो थोड़ा घोल गिरा के देख लेते हैं। घोल गिरते ही ऊपर आ गया है, यानी तेल गरम हो गया है, तो वड़ा बना लेते हैं। तो स्टफ किया हुआ पाव ले लेते हैं और पाव को घोल में डिप करके घोल से कोट कर लेते हैं। और फिर तेल में फ्राई करने के लिए छोड़ेंगे। जहाँ घोल ठीक से ना लगा हो वहाँ इस तरह से हाथ से थोड़ा घोल लगा लें। वड़े को फ्राई करने के लिए गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। वड़े के ऊपर के पोर्शन पर इस तरह गरम तेल डालते जाएंगे जिससे ऊपर का लेयर कच्चा नहीं रहेगा और वड़े का पलटने में आसानी होगी। वड़े को हम दोनों तरफ से हल्का सुनहरे रंग का होने तक फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि वड़ा अब हल्के सुनहरे रंग का हो गया है। तो इसे हम एक प्लेट में पेपर नैपकिन रखकर निकाल लेते हैं। और इसी तरह दूसरा वड़ा भी फ्राई कर लेते हैं। आप चाहे तो पाव को गोल से कोट करने के लिए स्पून का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमने दोनों भी वड़े बना लिए हैं, तो चलिए कट करके देख लेते हैं कि हमारा उल्टा वड़ा बना कैसा है। ये देखिए हमारा उल्टा वड़ा इतना टेम्पटिंग बना है कि देखते ही खाने का दिल करे। तो फ्रेंड्स अब आप भी इस तरह से उल्टा वड़ा बनाकर जरूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे दिए लाइक के बटन को प्रेस करना ना भूलें। आपका एक लाइक मेरा हौसला बढ़ाने के लिए और चैनल के ग्रो करने के लिए बेहद जरूरी है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड गुड डे।